चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इट्स ई टू द पावर 10 इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, ई टू द पावर 10 इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हम 10 इनवर्स एक्स को टी लेट करेंगे क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन जो है वो एग्जिस्ट करता है। जो आप लेट करते हैं 10 इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, विल गेट डिफरेंशिएशन में मिलेगा हमें 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी इट विल बी ई टू द पावर टी डी टी। एज यू नो कि ई की पावर टी का इंटीग्रेशन हो या डिफरेंशिएशन दोनों सेम ही होते हैं, तो इट विल बी ई टू द पावर टी प्लस सी। अब बस ए की वैल्यू पुट कर लीजिए यहाँ पे, टी की वैल्यू है कितनी 10 इनवर्स एक्स, सो इट इज़ ई टू द पावर 10 इनवर्स एक्स प्लस सी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग सॉल्व करेंगे, उसका इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे। ओके चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19th वाला क्वेश्चन वी कैन से अ लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन है, अगर आपने इसको पहले सॉल्व नहीं किया तो हो सकता है सॉल्व करते वक्त थोड़ी सी प्रॉब्लम आए। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 इज ई टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर 2x प्लस 1। इस क्वेश्चन में करना है क्या है आपको, ध्यान दीजिएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ई टू द पावर x से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो इट विल बिकम ई टू द पावर 2x अपॉन ई टू द पावर x माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर x, ऐसे ही डिनोमिनेटर में आ जाएगा ई टू द पावर 2x अपॉन ई टू द पावर x प्लस 1 अपॉन ई टू द पावर x। ओके, तो वैल्यू जब निकालेंगे हम लोग तो ई टू द पावर x मिल गया माइनस ई टू द पावर माइनस x अपॉन ई टू द पावर x प्लस ई टू द पावर माइनस x। ओके, तो अब आपको जो डिनोमिनेटर का टर्म है, ठीक है, उसे t लेट कर लेना है। तो हमने लेट किया e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, यानी ये जो टर्म है नीचे वाला इसको t लेट कर लिया। तो जब से t लेट किया गया तो इट विल बिकम डिफरेंशिएट करने पर e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ओके, देखिए अब जो न्यूमरेटर में है वो पूरा टर्म dt हो चुका है और डिनोमिनेटर में t। अब आपको पता है कि 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log mod x, तो डायरेक्टली 1 अपॉन t को हम लिख सकते हैं log mod t प्लस c। ओके, तो जब t की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा log mod e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस c। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस आप कर लेते हैं तो आई होप ये क्वेश्चन लास्ट तक आपको याद रहने वाला है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है सही करके आएंगे इसको। ओके चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। 20th क्वेश्चन इज ई टू द पावर 2x माइनस ई टू द पावर माइनस 2x अपॉन ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर माइनस 2x dx। तो इस क्वेश्चन में कहीं भी आपको e की पावर x से डिवाइड करने की या मल्टीप्लाई करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप डायरेक्टली यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में टर्म लिखा हुआ है इसको t अज्यूम कर लीजिए, यानी अगर आप e टू द पावर 2x प्लस e टू द पावर माइनस 2x को t लेट करते हैं तो डिफरेंशिएट करने पे आपको मिल जाता है e टू द पावर 2x इंटू 2 प्लस e टू द पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2 dx इज इक्वल टू डी टी। ओके, अब 2 देखें तो दोनों में कॉमन है तो 2 कॉमन करके आप राइट हैंड साइड में भेज सकते हैं, तो इट्स e टू द पावर 2x माइनस e टू द पावर माइनस 2x dx इज इक्वल टू हाफ डी टी। ओके, तो ये हो गया हमारा कि क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है उसको ले लिया हमने। अब इस वैल्यू को उठा कर क्वेश्चन में रख लीजिए, सो इट विल बिकम 1/2 डी टी न्यूमरेटर में और अपॉन में टी, जिसको आप 1/2 लॉग मॉड टी प्लस सी लिख सकते हैं। आंसर इज 1/2 लॉग मॉड में ई टू द पावर 2x प्लस ई टू द पावर माइनस 2x प्लस सी, सो दिस विल बी द फाइनल आंसर। ओके, तो देखिए 19th और 20th क्वेश्चन काफ़ी सिमिलर हैं, बट उसके बावजूद आपको 19th में छोटी सी ट्रिक अप्लाई करनी पड़ रही है जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हमने e की पावर x से डिवाइड किया, या e की पावर x कॉमन भी कर सकते हैं, बोथ आर द सेम थिंग, बट 20th में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आप देखते हैं कि इंटीग्रेशन में क्वेश्चन का थोड़ा सा ही चेंज होता है तो पूरा का पूरा जो मेथड है वो चेंज हो जा रहा है। ओके, तो प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी इसमें है, प्रैक्टिस के बिना काम चलना नहीं इसमें है। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21।
21 is integration of tan square 2x-3. अब इस क्वेश्चन में आपको 2x-3 को ही टी लेट करना है, तो 2x-3 को हमने टी एज्यूम किया, डिफरेंशिएट करने पे विल गेट 2x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो आप डायरेक्टली dx इज इक्वल टू यहाँ पे dt ले सकते हैं या dx इज इक्वल टू हाफ dt. सो फाइनली इट इज़ गोइंग टू बी 1/2 tan square 2x-3 जो है इसको हम ले सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी ऐसे रहने देते हैं इसको, इधर लिखिए tan square t dt. ओके, अब हमें पता है कि tan square का डायरेक्टली इंडिकेशन नहीं होता है. जब डायरेक्टली इंडिकेशन नहीं होगा तो अब आती बारी ट्रिग्नोमेट्री की. तो ट्रिग्नोमेट्री के केस में आप tan square में लगा सकते हैं आइडेंटिटी जो हमने टेंथ में पढ़ी है, sec square t माइनस 1. ओके, अब जब इसे आप इंटीग्रेट करोगे यू विल गेट 1/2 tan t माइनस t प्लस c. ओके, पुट द वैल्यू ऑफ t, तो 1/2 tan t इज 2x-3 माइनस t की वैल्यू यहाँ भी रखेंगे 2x-3 प्लस c. अब इस क्वेश्चन में आंसर मैच करते वक्त एक चीज़ ध्यान देंगे आप, जैसे 1/2 लिखा हमने, इसको जब मल्टीप्लाई किया tan 2x-3 दिस इज ओके. अब जब 1/2 कॉन्स्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 इंटू 2x विल बिकम ओनली x, फिर माइनस 3 और 1/2 मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बी 3/2. ओके, बट प्लस c लिखा है तो वो कॉन्स्टेंट में ही एडजस्ट हो जाएगा, तो यू कैन राइट c डैश या उसके जगह कोई कॉन्स्टेंट k ले सकते हैं. ठीक है, तो ये कांस्टेंट में ही आपका जो कांस्टेंट 3/2 है वो ऐड हो जाना है. तो आपका आंसर जो है फाइनल आएगा 1/2 tan 2x-3 माइनस x प्लस c डैश. ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इजी क्वेश्चन है. ओके, सिमिलर टाइप का 22 क्वेश्चन है हमारा. ओके, लेट्स सी इट. 22 में भी आपको सिर्फ 7-4x को टी लेट कर लेना है, जैसे क्वेश्चन नंबर लिखते हैं पहले, इट्स इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर 7-4x dx. क्या करना है, 7-4x को कुछ अज्यूम कर लेते हैं, टी मान लिया, डिफरेंशिएट किया, 7 इज अ कांस्टेंट टर्म, -4 तो -4x का हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt या dx इज इक्वल टू -1/4 dt. ओके, चलिए इंटीग्रेशन पे आते हैं. -1/4 विल बी आउटसाइड, sec स्क्वायर t dt इंटीग्रेट कर लीजिए, -1/4 tan t प्लस सी या -1/4 tan t की वैल्यू जो होगी दैट इज 7-4x प्लस सी. ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ रहे होंगे. ओके, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 23. देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, 23 क्वेश्चन इज साइन इनवर्स x अपॉन √1-x². क्वेश्चन देखते ही आपको अगर डिफरेंशिएशन बताया साइन वर्स एक्स का, तो खुद ही इसमें आपको माइंड में आ जाना है कि साइन वर्स एक्स को टी लेट करेंगे तो हमें √1-x² मिल जाना है. ओके, तो आप एक काम करिए, यहाँ पर सीधे लेट करिए साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, और जब आप इसको टी लेट करेंगे यू विल गेट ऑन डिफरेंशिएटिंग 1/√1-x² dx इज इक्वल टू dt. ऊपर का पूरा टर्म आपके पास dt आ गया, ठीक है, साइन वर्स एक्स तो टी होने हैं, ठीक है, dx अपॉन √1-x² इज dt और साइन वर्स एक्स इज टी, तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो यू विल गेट टी स्क्वायर बाई टू, ठीक है, एक्स पावर एन वाला फॉर्मूला लगा लेंगे, टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ टी, टी इज साइन वर्स एक्स, साइन वर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी, ठीक है, तो ये आंसर आएगा 1/2 साइन वर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी. ओके, आई होप क्वेश्चंस समझ में आ गया होगा अच्छे से, सारे क्वेश्चंस क्लियर हो रहे होंगे. चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 24, इंटीग्रेशन ऑफ 2cos x - 3sin x, 6cos x + 4sin x. ओके, देखिए इस क्वेश्चन में आप एक काम कर सकते हैं कि पहले ही डिनोमिनेटर से 2 कॉमन कर सकते हैं, या डायरेक्टली इन चेहरे पूरे टर्म को आप टी मान सकते हैं. ओके, तो
तो हम लोग यहाँ पे ये करते हैं कि हम लोग पहले टू कॉमन कर लेते हैं, सो इट विल बी मच ईजी. टू कॉमन किया तो टू कॉस एक्स माइनस थ्री साइन एक्स, नीचे आ जाएगा थ्री कॉस एक्स और प्लस का टू साइन एक्स. अब लेट कर लीजिए डिनोमिनेटर वाले टर्म को, टी लेट कर लीजिए, तो थ्री कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स जो है, इसे हमने जब टी एज्यूम किया तो डिफरेंशिएट करने पे हमें मिल गया माइनस का थ्री साइन एक्स, कॉस का डिफरेंस माइनस साइन हो जाएगा, प्लस टू कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. ओके नाउ आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा टर्म हमारा डिनोमिनेटर सॉरी न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है. ओके तो वन बाय टू ऊपर का पूरा टर्म बन गया डी टी इंडिकेशन में रखने पे, और नीचे का पूरा टर्म आ गया टी. तो इट्स वन बाय टू लॉग मॉड टी प्लस सी. आपको सिर्फ एक काम करना है, टी की वैल्यू पुट कर लेनी है जो कि है थ्री कॉस एक्स प्लस टू साइन एक्स, दैट्स इट. ठीक है, तो इस तरीके से सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हुए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. ओके चलिए आते हैं 25 क्वेश्चन पे. देखिए एक लेक्चर में मैंने कोशिश की है कि जितने क्वेश्चंस एक बार में आप बच्चा समझ सकता है कि 9 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन को रखा जाए. बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रखने पे क्या होता है, फिर जो इंटरेस्ट होता है हम लोगों का वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है. तो अगर आपके 26 क्वेश्चन हो जाते हैं ठीक है, और आप अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज लाइन वाइज मौजूद रहेंगे, वहाँ से आप अगला जो वीडियो है वो देख लीजिए. ठीक है, तो इस तरीके से एक्सरसाइज आपके लिए बोरिंग भी नहीं होगी, सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होता रहेगा. ओके सो लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 25. इट्स वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स इंटू वन माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर. जो वन अपॉन कॉस स्क्वायर लिखा है दिस विल बी सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में वन माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर. ठीक है, अब क्या करिए, जो वन माइनस टेन एक्स है इसको टी एज्यूम कर लीजिए, डिफ्रेंशिएट करने पे माइनस का सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी आ गया, या इसको आप सिंपली सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी लिख सकते हैं. नाउ ऊपर का स्टेप हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी टी, और नीचे आ जाएगा टी स्क्वायर, माइनस बाहर हो जाएगा टी की पावर माइनस टू डी टी, या माइनस जब इसमें हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो टी की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस सी, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो वन अपॉन टी प्लस सी. पुट द वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू कितनी है वन माइनस टेन एक्स, तो वन अपॉन वन माइनस टेन एक्स प्लस सी, तो ये फाइनल आंसर आएगा. ओके ओके चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26. इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, लेट रूट एक्स इज इक्वल टू टी. ठीक है, रूट एक्स को टी क्यों लेट कर रहे हैं, कि वो कॉस में पहले तो एंगल की जगह पे रखा हुआ है रूट का टर्म, तो उसको डायरेक्टली आप इंटीग्रेट कर नहीं सकते वहाँ पे, तो उसको तो आपको कहीं किसी ना किसी मेथड से रिड्यूस करना ही पड़ेगा. दूसरा रूट एक्स के डिफरेंशिएशन जो हम निकालेंगे तो वहाँ पे वन अपॉन टू रूट एक्स मिल जाना है आपको. ओके तो उस केस में आपका जो डिनोमिनेटर का रूट है वो भी रिजॉल्व हो जाएगा. तो जब हमने रूट एक्स को टी लेट किया तो डिफरेंशिएट करने पे हमें मिलेगा वन अपॉन टू, रूट एक्स इज बेसिकली एक्स टू द पावर हाफ, तो जब डिफरेंशिएट करते हैं तो एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, तो इट विल बिकम वन बाय टू रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, या वन बाय रूट एक्स इज डी एक्स इज इक्वल टू टू डी टी. तो चलिए पुट कर लेते हैं, तो यहाँ पर आ गया आपको टू बाहर कॉस टी डी टी, इंटीग्रेट किया टू साइन टी प्लस सी, तो टू साइन टी की वैल्यू है रूट एक्स प्लस सी. ओके तो आई होप सारे क्वेश्चंस 18 से 26 तक क्लियर हो गए होंगे. जो रिमेनिंग क्वेश्चन है एक्सरसाइज के उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे. ओके थैंक यू एवरीवन.